ये वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि गुजरात में एक लड़की ने जिहादी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली और लव मैरिज के कागज के दम पर जिहादी के सामने अपने माँ बाप के हाथ पैर जुड़वाए। ऐसे ही टेक्स्ट के साथ आचार्य अंकुर आर्य ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। वहीं फेसबुक और ट्विटर पर यह वीडियो जमकर वायरल है। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की छानबीन शुरू की। गुजराती कीवर्ड्स के साथ सर्च करने पर हमें 5 जून 2023 की गुजरात तक की ये न्यूज रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात के बनासकांठा जिले के रैया गांव में एक लड़की ने अपने बड़े भाई के साले के साथ भागकर शादी कर ली, जबकि उसके माँ बाप ने लड़की की शादी अपने छोटे बेटे के साले के साथ तय की थी। ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रैया गांव में जब माँ बाप ने लड़की के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई तो बाद में लड़की और उसके पति को दियोदर पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। वहां पर माँ बाप ने लड़की को वापस आने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद लड़की के माँ बाप उसे मनाने के लिए उसके पैर भी पड़े, फिर भी लड़की अपने बड़े भाई के साले के साथ यानी कि अपने पति के साथ वहां से चली गई। दरअसल खबर के मुताबिक लड़की की शादी उसके माँ बाप ने छोटे भाई साले के साथ आमने सामने के रिवाज के तौर पर तय की थी, जिसमें एक घर के भाई बहन की शादी सामने वाले घर के भाई और बहन से होने का रिवाज है। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में दिख रही लड़की अपने बड़े भाई के साले के साथ भागकर शादी की थी, न कि किसी मुस्लिम शख्स से। बेटे को घर वापस बुलाने के लिए माँ बाप ने लड़की से मिन्नतें की, लेकिन लड़की नहीं मानी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर झूठे सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया।